नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा आयुर्वेद में 24 तत्वों के बारे में एवं जीवों के बंधन के बारे में। आयुर्वेद में 24 तत्व एवं जीव के बंधन, अव्यक्त, महान, अहंकार, 5 तन मात्रा, 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, इन्हीं 24ों को 24 तत्व कहते हैं। इन्हीं 24 तत्व से यह शरीर बना है। इस शरीर रूपी घर में जो जीवात्मा रहता है वह 25वां है। मन उसका दूत है। यद्यपि जीवात्मा आकाश की तरह निर्विकार है, तथापि जिस तरह निर्विकार आकाश संध्या या शाम के समय सूर्य किरणों के सहयोग से लाल हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा विकारवान वस्तुओं के सहयोग से विकारवान हो जाता है। जीव के बंधन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 10 इंद्रिय और बुद्धि, ये जीव के बंधन है। नंबर 1, काम। पुरुषों का स्त्रियों की ओर और स्त्रियों की पुरुषों से उपभोग के लिए जो प्रीति होती है उसे काम कहते हैं। नंबर 2, क्रोध। प्राणी के हृदय में एक बारगी ही गर्मी प्रकट होकर प्रायः बुरा चाहती है। उससे चित्त को एक प्रकार का दुख पहुंचता है, उसी दुख को क्लेश या क्रोध कहते हैं। नंबर 3, लोभ। प्रायः धन, प्रायः भाग, प्रायः सामर्थ्य की बात देखकर सुनकर प्राणी के हृदय में जो तृष्णा पैदा होती है उसे ही लोभ कहते हैं। नंबर 4, मोह। बुरे को भला और भले को समझना मिथ्या ज्ञान है। कल्याणकारक और अकल्याणकारक बातों का निश्चय बुद्धि को नहीं होता, तब इन दोनों के बीच में घूमती है, तब उसे संशय या मोह कहते हैं। नंबर 5, अहंकार। जब प्राणी कार्य कारण से युक्त अहम से इस अभिमान के साथ काम में लगता है, तब उसको अहंकार कहते हैं। यह काम मैं करता हूँ, यह काम मैंने किया, यह भाव अहंकार दिखाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। धन्यवाद।